सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने भठट ब्लॉक के औरंगाबाद में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक भठट ब्लॉक के औरंगाबाद में चौपाल लगाया गया था, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। चौपाल में अधिकतर मामले पेंशन से संबंधित आए, जिसके निस्तारण के लिए एडीओ समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा किसानों की EKYC भी किया गया। वहां पर राशन की दुकान सस्पेंड चल रही है, जिस पर नागरिकों ने मांग किया कि जल्द से जल्द राशन की दुकान का टेंडर करके चालू किया जाए, जिसको देखते हुए समूह की महिलाओं को कोटे के चयन के लिए कहा गया है कि वहां पर चुनाव कराकर कोटे को समूह की महिलाओं को दे दिया जाए। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा पानी की समस्या बताई गई है कि पानी समय से नहीं आता है, जिस पर जलकल विभाग को सुबह व शाम पानी देने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों द्वारा सड़क की समस्या बताई गई है, इसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, दूसरा गुणवत्ता पूर्ण बने जो आपने खुद देख ली, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग कॉल करके बताएंगे कि क्वालिटी अच्छी है या गलत बन रही है तो उसको ठीक करने के लिए कहेंगे। तो ये सारा पारदर्शी हो, आपका गाँव इस इतना काम होने के बाद, इतना पैसा लगने के बाद एक आदर्श गांव बन जाए, अब उसको बनाने के लिए आप सबकी जिम्मेवारी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, पूरे भारतवर्ष और विश्व में फेमस है, और इसके साथ साथ आप लोग बहुत अच्छे चेतन लोग हो। तो उम्मीद है कि इस गांव में जो कार्य होंगे सारे गोरखपुर में परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ, भठट ब्लॉक के औरंगाबाद गाँव में आज चौपाल लगाई गई थी सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। इसमें जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सब पहुंचे थे। वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा जो समस्या बताई गई थी, पहले पेंशन को लेकर बताई गई थी, और उसमें एडीओ समाज कल्याण द्वारा उसका निस्तारण किया जा रहा है। EKYC अभी चल रही है, PM किसान में चल रही है, तो लोगों के डॉक्यूमेंट लेके वहाँ EKYC करके उनको हल किया गया। इसके बाद राशन की दुकान वहाँ सस्पेंड चल रही है, और लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नागरिकों ने कि वहाँ पे वो उसको कोटे का चयन दोबारा करा दिया जाए। तो समूह को अभी कोटे के चयन के लिए वहाँ पे मैंने आदेश किया है कि वहाँ पे निर्वाचन करा के समूह को दे दिया जाए। इसके साथ साथ जो बाकी समस्याएं जो लोगों ने मुख्यतः बताई है कि पानी की टंकी में जो टाइम है वो सुबह शाम करने को कहा, और मेरे द्वारा भी लोगों को अपील की गई है कि जो भी शुल्क लगाया गया है पानी की टंकी या बिजली का जो बिल आते हैं उसको पे करें। और एक और डिमांड लोगों ने वहाँ पे की थी कि जो सड़क है उसका चौड़ीकरण हो जाए, जो मेन सड़क से जोड़ती है औरंगाबाद को, तो उसके लिए मैंने अभी DM सर से रिक्वेस्ट करूँगा। और परफॉर्मेंस ग्रांट में जितने काम हो रहे हैं वो सारे पढ़ के सुनाए गए, सिटीजन इन्फॉर्मेशन बॉल पर लिख भी दिए गए हैं, और जो नए काम लिए गए हैं वो भी सब बता दिए हैं। और ग्रामवासी से रिक्वेस्ट की है कि इनकी गुणवत्ता की स्वयं जाँच करें, और गुणवा प्रधान जी को और सचिव को निर्देश दिया गया है, क्योंकि वो कार्यदेश संस्था है ग्राम पंचायत, वो अच्छे गुणवत्तापूर्ण काम करा के गाँव को आदर्श और मॉडल गाँव बनाए।